नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। वीकिंग न्यूज कानपुर। कानपुर से ब्यूरो चीफ हरुण जाफरी के साथ सैयद जुल्फी, कानपुर। आज दिनांक 24 जनवरी 2019 को उर्सुला अस्पताल चिकित्सालय कानपुर नगर के सभागार में एक सभा राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर आयोजित की गई, जिसमें कई जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता कानपुर मंडलायुक्त श्री सुभाष चंद्र शर्मा महोदय एवं अपर निदेशक चिकित्सालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मंडल के द्वारा सम्पन्न हुई, जिसमें मंडलायुक्त श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को समाज में उच्च दर्जा के लिए दिए जाने का संदेश दिया और साथ ही कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने का संदेश दिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ उर्सुला अस्पताल कानपुर में एक मंडलीय वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसमें जेंडर बायस को दूर करना, स्त्री है उसके बारे में चर्चा हुई है, कैसे नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को और सभी फील्ड में हम लोग जागरूक करें, उनकी भागीदारी पार्टिसिपेशन अच्छी खासी हो, इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। एजुकेशन का, उनको खाने पीने का भी अधिकार है, ये नहीं है कि घर में सारा सामान खत्म हो जाता है उसके बाद में खाने का नंबर उनका आता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर विस्तार पूर्वक एक समीक्षा हुई है। कानपुर मंडल में 6 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं उनमें बालिकाएँ और भी कम हैं, जो बराबर का हिस्सा होना चाहिए, 1000 में 1000 बालिकाएं महिलाएं होनी चाहिए, वो यहाँ पर 862-870 के लगभग है। कन्नौज में औसत से पूरा मंडल हमारा बहुत पीछे है। क्या वजह है कि हम सारे पढ़े लिखे लोग, कानपुर वासी तो इतने पुराने शहर के रहने वाले हैं, इतना एजुकेटेड, इतना उन्नत ये शहर है, यहाँ पर भी अगर ये कमजोरी। बैठक में जितने भी ये डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, हेल्थ से है, एजुकेशन से है, एडवोकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, कई अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जागरूकता फैलाएंगे और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, लेकिन निगेटिवली अधिकतर हो ही रहा है कि उसका नकारात्मक प्रयोग हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। फिर ये बात एजुकेशन, लोग महिलाओं को का उत्थान करें, उनको हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स का हो या एजुकेशन का हो या जॉब में आने का हो, सरकार भी 20% का रिजर्वेशन देती है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप लोगों ने देखा है कई भी है, ये सारी चीज़ें हैं जो इन्हीं को ध्यान में रखकर के बनाई गई हैं। आई होप कि उनका और बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो यहाँ का रेशो भी अच्छा हो जाएगा।